आसाम राइफल्सर जवान प्रणव कुमार दासक भारत तृतीय सर्वोच्च सामरिक सम्मान शौर्य चक्र प्रदान। 23 नवेम्बर देशर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे प्रणव कुमार दासक शौर्य चक्र प्रदान कर। 2020 सन अरुणाचल प्रदेश लंगडिंग अंचल हुआ उग्रपंथी विरोधी अभियान राइफलमेन प्रणव कुमार दासे वीरत प्रदर्शन कर। यह अभियान सहसरे जुज दी दो उग्रपंथी निहत करार उपरी एगारी आहत सतीर्थक उद्धार कर आनी छक दुर्धर्ष उग्रपंथी आश्रय लार सन्दर्भ लाभ कर एक तथ्यर भित्तित दक्षिण अरुणाचल प्रदेश अंचल आसाम राइफल्से अभियान चल। এই অভিযানৰ অংশ আছিল প্ৰণৱ কুমাৰ দাস আৰু সেইগৰাকী প্ৰণৱ কুমাৰ দাসক দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश में अभियान का हिस्सा थे, जिसे 6 कट्टर विद्रोहियों की मौजूदगी से जुड़ी विशिष्ट आसूचना के आधार पर शुरू किया गया था। सुबह 4:10 पर लक्ष्य क्षेत्र की जांच के दौरान राइफलमैन सामान्य ड्यूटी प्रणव ज्योति दास ने लक्ष्य स्थान से 70 मीटर की दूरी पर एक विद्रोही को देखा। चेतावनी देने पर विद्रोही ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घेरे को तोड़ने की कोशिश की। अपने सैन्य दस्ते पर गंभीर खतरे को भांपते हुए आपने एक विद्रोही को मार गिराया। बचे हुए विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी की, जिससे एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। भारी रणनीतिक कुशाग्रता दिखाते हुए आपने बहादुरी से घायल कार्मिक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आपने नजदीक दूरी से विद्रोही को उलझाए रखा, जबकि दूसरे विद्रोही को मार गिराया। इस प्रकार राइफलमैन प्रणव ज्योति दास ने 2 विद्रोहियों को विफल कर और सुरक्षा पूर्वक एक घायल सैनिक को बाहर निकालकर उग्र और अपूर्व युद्ध जोश का परिचय दिया। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास।